सब्सक्राइब करिए नियति किचन को और प्रेस करिए बेल आइकॉन को ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नियतिस किचन। नियतिस किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ मक्के की रोटी की रेसिपी। सरसों का साग और मक्के की रोटी तो हम सभी को बहुत पसंद होती है। मक्के की रोटी तो मैं अभी शेयर कर रही हूँ, सरसों का साग मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ मेरे चैनल पे। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा हो तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। एकदम सिंपल तरीके से बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में और बहुत ही कम समय में आप टेस्टी सरसों का साग कैसे बना सकते हैं वो मैंने उसमें आपको शेयर किया हुआ है, आप उस पर ज़रूर क्लिक करके देखें। और मक्के की रोटी को भी मैं उसी वीडियो में कंप्लीट करना चाह रही थी बट वो वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, इसलिए मैंने स्पेशली अलग से वीडियो बनाया है जिसमें मैं आपको मक्के की रोटी को एकदम सिंपल वे में कैसे आप बिना टूटे एकदम नरम और बिना कड़क हुए फूली फूली पतली पतली रोटी मक्के की रोटी कैसे बना सकते हैं वो मैं आपके साथ में आज शेयर करने जा रही हूँ। इसीलिए फ्रेंड्स, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए, प्लीज़ स्किप बिल्कुल मत करिएगा। सारे टिप्स को आप ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए, तभी आप एकदम परफेक्ट रोटी बना सकते हैं। और साथ ही मैं आज आपके साथ 2 से 3 टिप्स शेयर करूंगी जिससे आपकी रोटी लंबे समय तक नरम बनी रहेगी। और मैं रोटी सेकते रहते अपने गैस को अपने टाइम को कैसे बचाती हूँ ये भी मैं आज आपके साथ में शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, मकई की रोटी बनाने के लिए हमें यहाँ पर 2 तरह के आटे यूज़ करने होंगे। सबसे पहला है मकई का आटा जिसका हम रोटी बनाने वाले हैं, और साथ ही में मैंने यहाँ पे लिया है 1/2 कप गेहूं का आटा। सो गेहूं का आटा लेने के लिए यहाँ पे 2-3 रीजंस है। जैसे सबसे पहला होता है उसमें ग्लूटेन होता है जिसकी वजह से आपकी रोटियाँ टूटती नहीं है। दूसरा, वो रोटियाँ बनाने में काफ़ी आसान हो जाता है और आपकी रोटी अच्छी फूलती है। तीसरा है, रोटी आपकी काफ़ी हेल्दी भी हो जाएगी मकई और गेहूं का आटा मिलाकर, इसीलिए मैंने यहाँ पे गेहूं का आटा लिया है। साथ ही मैंने यहाँ पे 2 से 3 पिंच नमक लिया है टेस्ट के लिए, और लिया है पानी, आप यहाँ पे गुनगुना या फिर सादा पानी ले सकते हैं, और आप चाहे तो अजवाइन भी ऐड कर सकते हैं और अच्छे टेस्ट के लिए। अब आपको क्या ध्यान रखना है, आपको बड़ी थाली लेनी जो पराठ टाइप की होती है ना, इस तरह की जो साइड इसके ऊपर होते हैं, वो मैं आपको आगे समझा दूंगी, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मैंने आपको ये थाली क्यों लेने के लिए बोली थी। साथ ही अब हम अपने दोनों ही आटों को छान लेंगे यानी चाल लेंगे ताकि उसमें अगर गुठलियाँ हो या फिर कुछ भी हो तो निकल जाए। तो चलिए हम अपने दोनों आटे को छान लेते हैं छन्नी में लेके, और साथ में छान लेने से क्या होगा, आपके दोनों जो आटे हैं वो आपस में अच्छे से मिक्स भी हो जाएंगे, जो भी एक्स्ट्रा निकलेगा उसे हम फेंक देंगे। अब हम ऐड कर देंगे हमारा नमक, अगर आप अजवाइन ऐड करना चाहते हो तो इस टाइम पे ऐड कर सकते हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें ऐड करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया आप ल्यूकवॉर्म वाटर यानी गुनगुना पानी भी ले सकते हैं और आप सादा पानी भी ले सकते हैं यानी रूम टेम्परेचर पे। मैंने यहाँ पे गुनगुना पानी लिया है, मैं जब भी कोई भी डो लगाती हूँ यानी आटा लगाती हूँ तो मैं गुनगुना पानी ही लेती हूँ थोड़ा, उससे आपकी जो रोटियाँ हैं वो सॉफ्ट बनती हैं। जब आप गेहूँ की रोटियाँ बनाएंगे तो भी आप ये ट्रिक ज़रूर अपनाइएगा, आपकी रोटियाँ काफ़ी सॉफ्ट बनेंगी और फूली फूली बनेंगी। अगर पसंद आई हो ट्रिक तो कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइएगा। तो आप देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके आपको इसी तरह से आटे को पहले एक को साथ कर लेना है। और हाँ फ्रेंड्स, हम नॉर्मली जैसे गेहूं का आटा लगाते हैं वैसे इसको बिल्कुल नहीं लगाना है क्योंकि ये आटा थोड़ा सा अलग होता है गेहूं के आटे से। और यही नहीं, आप दूसरा आटा भी लेंगे ज्वार का, बाजरे का, नाचनी का, तो वो भी ऐसा ही होता है। तो उसे तब एक साथ करने का थोड़ा सा अलग तरीका है जैसे मैं आपको भी वीडियो में दिखा रही हूँ। आपको अपने उंगलियों की नहीं बल्कि हथेलियों की हेल्प से जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हैं इसी तरह से आपको आटा लगाना है। कुछ टाइम जब तक एक साइड में एक पूरा आटा कलेक्ट नहीं हो तो तब तक आपको इस तरह से गूंथते रहना है। और अभी आपको पता चल गया ना फ्रेंड्स, मैंने आपको स्टार्टिंग में बड़ी थाली लेने के लिए क्यों कहा था, इसीलिए क्योंकि इसे हम इस तरह से जब लगाते हैं तो आटा बाहर गिरने का चांस रहता है, इसीलिए मैंने आपसे बड़ी थाली लेने के लिए कहा था। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने पूरा आटा जो है वो कलेक्ट कर लिया है, और आप देख रहे हैं थोड़ा आटा मुझे कड़क लग रहा है इसीलिए मैं अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी। इसी तरह से आप भी थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करिएगा और बिल्कुल इसी तरीके से आपको अपने आटे को लगाना है और एकदम सॉफ्ट करना है, क्रैक फ्री बनाना है। आप देखेंगे एंड में एकदम जो हमारा आटा है वो एकदम क्रैक फ्री हो जाएगा। आप चाहे तो थोड़ा ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं बट मैं ऑयल नहीं यूज़ करके पानी ही यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे यही ठीक लगता है। आप चाहे तो थोड़ा ऑयल भी इस आटे में डाल के अपने आटे को स्मूथ भी कर सकते हैं और टेस्ट को भी बढ़ा सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने आटे को गूंथ के रेडी कर लेते हैं अपने डो को। सो अब आप देख सकते हैं हमारा जो डो है वो बिल्कुल क्रैक फ्री और एकदम स्मूथ डो बन के रेडी हुआ है। अगर आप मेरे सारे ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो आपका भी डो बिल्कुल इसी तरह से बनेगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स फ्रेंड्स आप सभी के लिए, जैसे हम गेहूं के आटे को गूंथने के 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं,
वैसे आपको मकई के आटे को या बाकी आटों को नहीं रखना है, क्योंकि आप उसे ज़्यादा देर तक रखेंगे तो वो गीला हो जाएगा और आपको रोटी बनाने में प्रॉब्लम होगी। इसीलिए जब आपको तुरंत रोटी बनानी हो, आप तुरंत आटा लगाइए और तुरंत रोटी बनाइए, तभी आपकी रोटी एकदम परफेक्ट बनेगी, परफेक्ट फूलेगी और आपको रोटी बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो मैंने अपने थाली में सूखा आटा भी डाल दिया है, यहाँ पे तवा गर्म होने के लिए रख दिया है और ले लिया है हमारा चौका और बेलन। सो अब हम पहले थोड़ा सा सूखा आटा लेंगे और उसको अपने जो चौका है उस पर डस्ट करके फैला देंगे, बिल्कुल इसी तरह से। अब हम हमारे जो आटे में से थोड़ा सा आटे का पोर्शन लेंगे, यानी छोटा सा पेड़ा लेंगे। नॉर्मल जो हम गेहूं की रोटी बनाते हैं उससे बड़ा आपको पेड़ा लेना है, जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हैं बिल्कुल इसी तरह से आपको पेड़ा लेके इस तरह से उसे गोल करना है और थोड़ा सा हाथों की मदद से, उंगलियों की मदद से चपटा कर लेना है। उसके बाद आप जैसे वीडियो में देख रहे हैं मैं कैसे फिंगर्स की हेल्प से थोड़ा थोड़ा से हाथों पे ऐसे टैप टैप करके थोड़ा सा रोटी को बड़ा कर रही हूँ, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, थोड़ा सा आप भी इस तरह से कर लेंगे तो आपको ईजी हो जाएगा रोटी बनाने में। उसके बाद हम अपने सूखे आटे को बेलन पे भी लगाएंगे और अब आप धीरे धीरे अपनी रोटी को बना सकते हैं। आप खुद ही देखेंगे आपने गेहूं का आटा जो यूज़ किया है उसकी वजह से आपको रोटी बनाने में बहुत परेशानी नहीं होगी। आप वीडियो में देख रहे हैं मैं नॉर्मली जैसे हम गेहूं की रोटी बनाते हैं थोड़ा ही जेंटली हूँ अपनी रोटी के साथ, बाकी मैं वैसे ही बना रही हूँ और एकदम पतली रोटी बना रही हूँ। मैं नॉर्मल जो हम मक्के की रोटी बनाते हैं उससे पतली रोटी मैं बनाऊँगी और ये एकदम परफेक्टली फूलेगी भी। आप भी बिल्कुल ऐसे ही बनाइएगा जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हैं। आपको लग रहा है देख के कि ये मक्के की रोटी बन रही है ना, एकदम परफेक्ट। तो चलिए हमारी जो मक्के की रोटी है वो रेडी हो गई है। अगर बाजू बाजू से थोड़ा क्रैक लगे तो आप ऐसे फिंगर उंगलियों की हेल्प से, जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, आप इस तरीके से क्रैक को फिल कर दीजिए। और आपने देखा कितनी पतली रोटी हमने बनाई है। सो हमारा तवा बिल्कुल गर्म हो चुका था, एकदम गर्म नहीं एकदम ठंडा नहीं, मीडियम हॉट हमारा तवा हो गया था। तब हमने अपनी रोटी को डाल दिया है सिकने के लिए। गैस की आंच को आपको मीडियम फ्लेम पे रखना है, बहुत तेज नहीं रखना, बहुत कम नहीं रखना। कम पे रखेंगे तो रोटी देर में पकेगी और बहुत तेज कर देंगे तो रोटी जल जाएगी, इसलिए मीडियम पे रखें ताकि आपकी रोटी अच्छे से पके। अब जब आपकी रोटी थोड़ी सी पक जाएगी एक साइड से, तब आप उसको पलट दीजिए। मैं यहाँ पे हाथों का यूज़ कर रही हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि आपको भी हाथों का इस्तेमाल करना है। आप चिमटे का इस्तेमाल करके रोटी बनाइए, वरना आप जल सकते हैं अगर आपको ना जमता हो हाथों से बनाना तो। सो चिमटे की हेल्प से आप क्या करेंगे, अच्छे से जो रोटी है आपको साइड साइड में आपको हर कोना अच्छे से पकाना है, तो आप अच्छे से घुमा घुमा के रोटी को सेकिएगा और चिमटे की हेल्प से रोटी के सभी साइड्स को इस तरीके से हल्का हल्का प्रेस करके पकाइए, जिससे आपका कोई भी कॉर्नर ऐसा ना हो जो कच्चा रह जाए। तो इसी तरीके से आप रोटी को पका लीजिए और चेक कर लीजिए जब आपकी एक साइड अच्छे से पक जाएगी, रोटी की चॉकलेटी चॉकलेटी जितने अगर पड़ जाएंगे आपकी रोटी में, तब आपको तवे पर से उतार के डायरेक्टली गैस की आंच पे रख देना है, बिल्कुल इस तरह से जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हैं। इस तरीके से आपको गैस की आंच पे रख देना है और जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं बिल्कुल इसी तरीके से आपको अपनी रोटी को अच्छे से फुला देना है। आप देख सकते हैं कि हमारी रोटी कितने अच्छे से फूल फूल कर रेडी हो चुकी है, एकदम फूली हुई और एकदम नरम मक्के की रोटी तैयार है। सो फ्रेंड्स, अब आपको पता चल ही गया कि आप अपने घर में कितने आसानी से फूली फूली मक्के की रोटी को बना सकते हैं और वो भी बिना टूटे और बिना किसी प्रॉब्लम के। अब मैं आपके साथ में 2-3 टिप्स और शेयर करूंगी जिससे आप रोटी सेकते वक्त अपने गैस को, अपने टाइम को कैसे बचा सकते हैं और तीसरा, आप अपनी रोटी को लंबे समय तक नरम कैसे बनाए रख सकते हैं। तो जब आप अपनी रोटी को सेक लेंगे, आपकी रोटी फूल कर रेडी हो जाएगी, तब आप उसको अपने इस तरह से तवे पर रख के या फिर प्लेट पर रख के दोनों ही तरफ ऑयल ब्रश से या तो चम्मच से थोड़ा सा तेल या तो फिर घी अच्छे से इस तरीके से लगा दीजिए, यानी स्प्रेड कर दीजिए। उसके बाद आप इसको कैसरोल में या फिर रोटी के डब्बे में नीचे पेपर या फिर टिश्यू पेपर या तो फिर कोई कॉटन का या मलमल का कपड़ा रख के उसके बाद उसके ऊपर रोटी रख के ढक के अच्छे से रख दीजिए, तो इससे आपकी जो रोटी है वो लंबे समय तक नरम बनी रहेगी। दूसरी टिप जिससे आप अपने गैस को बचा सकते हैं तो वो ये है कि जब आप अपनी रोटी को सेकते रहेंगे, आपकी रोटी हल्की पकती रहेगी, उस वक्त आप दूसरी रोटी की भी तैयारी करते रहिए, जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हैं। इससे ये फायदा होता है कि इससे आपका टाइम बच जाता है, आपकी रोटी जल्दी बन जाती है। तो जैसे आप खुद वीडियो में देख रहे हैं मैं कैसे पहली रोटी को भी देखते जा रही हूँ और दूसरी रोटी को भी बेल कर रेडी करते जा रही हूँ। अब मेरी रोटी जो है वो सेक कर रेडी हो गई है, तो अब मैं तवे में पहले अपनी कच्ची वाली रोटी को डाल दूंगी, उसके बाद मैं अपनी जो पहली वाली रोटी थी उसको गैस पर रखूंगी फूलने के लिए। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जब तक आपकी रोटी वो फूल कर रेडी होगी, तब तक आपकी जो तवे वाली रोटी है वो तवे की गर्मी से ही एक साइड में पक जाएगी और आप जब इसको तवे पर रखेंगे तब आप इसको पलट देंगे, इससे आपकी गैस की बचत होगी। सो यही टिप्स मैं अपने गेहूं की रोटी में भी आजमाती हूँ और मक्के की रोटी या बाकी की रोटियों में भी आजमाती हूँ, जिससे मेरे गैस टाइम दोनों ही बच जाता है। सो चलिए, हमारी मक्के की रोटी तो पहले ही हमने रेडी कर ली थी, अब उसे सर्व कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने अपनी मकई की रोटी को सर्व कर लिया है टेस्टी दही
दही और थोड़े से गुड़ के साथ में। आप चाहे तो इसे मीठी दही के साथ में भी सर्व कर सकते थे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप चाहे तो थोड़ा सा अचार भी ले सकते हैं इसके साथ में, या फिर आप इसे सरसों का साग के साथ में, कोई भी ग्रीन वेजिटेबल के साथ में, या फिर जैसे भी आपको अच्छा लगे आप इसे सर्व कर सकते हैं। आज मेरे पास ग्रीन वाली सब्जी नहीं थी कोई, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे सिंपली सर्व किया है। कैसा लगा आपको मेरा सर्विंग सजेशन, प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो, यूज़फुल लगा हो, मेरी टिप्स आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को ढेर सारा लाइक ज़रूर करिए, और प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करिए, जिससे वो भी इतने सिंपल तरीके से मक्के की रोटी को बना पाए। और फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह की नई नई रेसिपीज की वीडियोस आपसे शेयर करती रहूं, तो प्लीज़ नियति किचन को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और बिल्कुल मत भूलिएगा बेल आइकॉन पर प्रेस करना, जिससे मेरे आने वाले सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। आप हमारे वीडियो ऐसे ही देखते रहेंगे और नियति किचन से जुड़े रहेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले इसी तरह की न्यू अमेजिंग और टेस्टी वीडियो में। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। बाय बाय।